नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका कटाक्ष टीवी में। लगता है लॉरेंस बिश्नोई गैंग की जो मुसीबतें हैं दिन पे दिन बढ़ती जा रही हैं। रंगदारी के बढ़ते मामलों में पुलिस ने बदमाशों पर शिकंजा कसा है और आज हम आपको कटाक्ष टीवी की इस रिपोर्ट के माध्यम से देंगे संपूर्ण जानकारी। अगर आप चैनल पर पहली बार आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर नोटिफिकेशन ऑन कर लें, क्योंकि क्राइम से रिलेटेड अपडेट और कहानियाँ इस चैनल पर आती रहती हैं। तो चलिए मुद्दे पर आते हैं कि चंडीगढ़ पुलिस ऑपरेशन सेल ने गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई गैंग के गुर्गे दीपक और दीपक बनेडा को गिरफ्तार किया है। पुलिस आरोपी को बुडेल जेल से प्रोडक्शन वारंट पर लेकर आई थी। इसके बाद उसकी निशानदेही पर मोहाली के गांव नडियाली निवासी सिमरन जोत सिंह को गिरफ्तार करके लाई। सिमरन से .32 बोर की पिस्टल, मैगजीन और 5 कारतूस बरामद हुए हैं। पुलिस ने सिमरन जोत को शुक्रवार को डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में पेश कर जेल भेज दिया है। तो वहीं दीपक बनोड़ा को पुलिस शनिवार यानी आज अदालत में पेश करेगी। ऑपरेशन सेल दीपक को बुडेल जेल से 2 दिन के प्रोडक्शन वारंट पर लेकर आई थी। आपको बता दें कि पुलिस रिमांड के दौरान पूछताछ में उसने बताया कि वह वारदात के बाद हथियार सिमरन जोत सिंह के पास छिपा देता था। उसकी निशानदेही पर पुलिस ने मोहाली के गाँव नडियाली में दबिश देकर सिमरन जोत को गिरफ्तार कर लिया है। और साथ के साथ बता दें कि दीपक बनोड़ा को कुछ दिन पहले ही शादी के लिए पैरोल पर 1 दिन की छुट्टी मिली थी। दीपक बनोड़ा पर हत्या समेत डकैती के 13 मामले दर्ज हैं। दीपक के खिलाफ साल 2016 से लेकर 2017 तक हत्या के 4 केस दर्ज हुए थे और वहीं 2014 से 21 तक 9 केस हत्या के प्रयास, साल 2014 से 21 तक डकैती के 3 मामले दर्ज हैं। दीपक बनोड़ा केवल 12वीं पास है। दूसरी तरफ सिमरन जोत पहले मोहाली नगर निगम में काम करता था, फिलहाल सिमरन जोत खेतीबाड़ी का काम कर रहा था। ऑपरेशन सेल ने पिछले 22 दिनों में जांच में 5 गुर्गों को गिरफ्तार किया है और इन सभी को रंगदारी मांगले के मामले में गिरफ्तार किया है। इसमें गांव भैंसा टिब्बा निवासी सतवीर चौधरी और गुज्जर, सेक्टर 33 निवासी इंद्रप्रीत सिर्फ और पैरी, किशनगढ़ निवासी मनजीत सिंह, दीपक बनौड़ और सिमरनजोत सिंह शामिल है, जिसकी गिरफ्तारी हाल फिलहाल में हुई है। वहीं चंडीगढ़ पुलिस ऑपरेशन सेल को इंद्रप्रीत पैरी से US मेड राइफल, ऑस्ट्रिया मेड पिस्टल, 30 कारतूस बरामद हुए थे, जिसकी अपडेट हम पहले ही दे चुके हैं। और इस केस में अगर कोई भी अपडेट आती है तो हम आपके साथ जरूर शेयर करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।